This is Granville Island kids section, and statutory warning, do not bring your kids here, they'll go crazy. चलो आपको कनाडा घुमाता हूँ। Alright friends, welcome to this day 3 of my Vancouver itinerary where we will cover Granville Island and Vancouver Aquarium and a lot more fun stuff for you and your family. Check out this complete playlist, check out my day 1 and day 2 itinerary as well, and let's go into day 3 now. Day 3, going to Granville Island. So Granville Island को आप ऐसे समझ लो कि एक बहुत बड़ा मेला है जहाँ पर कई तरह के आर्टिस्ट, बेकरी वाले, खाने पीने के लोग, बहुत सारी एग्जीबिशंस एंड टॉप एंड से लेकर बजट वाली चीज़ें, बच्चों के अलग अलग एक्सपीरियंस, सब चीज़ें इस एक आइलैंड पे हैं। वैंकूवर से बहुत ही पास में स्टैनली पार्क के भी क्लोज ये आइलैंड है। आइलैंड नहीं कहना चाहिए क्योंकि एक रेत का टीला ही समझो, बट इसका पूरा मैप देखिए तो इसमें इतना कुछ करने को है कि आपका एक दिन भी कम पड़ जाएगा ग्रेनवेल आइलैंड वैंकूवर में। तो शुरुआत की है फैंसी सी आर्ट गैलरी से। सारे टूरिस्ट यहाँ पर जा रहे थे, कुछ फेमस आर्टिस्ट होगा, बट जब आप पेंटिंग्स का प्राइस पढ़ोगे तो सारी $5000 के ऊपर की रेंज की थी। बट हर चीज़ काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत टॉप एंड है, तो घूमने में मज़ा आया, देखने में अच्छा लगा, पर ऑब्वियसली कुछ ख़रीदने वाला तो मैं तो नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेंटिंग दी हुई है, इस पेंटिंग का प्राइस आप गैस कीजिए, ग्रीन पेंटिंग का प्राइस कितना है। दिस इज़ $8500। मैंने नहीं ख़रीदा, बट इट्स गुड टू नो कि ऐसी भी पेंटिंग्स अवेलेबल हैं, पर सारी आर्ट पीसेस बहुत ही सुंदर थे। यार हम तो बजट में ट्रैवल करते हैं, पार्किंग ही महंगी पड़ रही थी, करीब $15 लग गया 4 आवर्स पार्किंग का, और उसके बाद भी लग रहा था कि कार सेफ तो रहेगी क्योंकि रेंटल कार है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पर इट्स ऑल गुड। थोड़ी देर के बाद हमने ये कैरन कूपर की आर्ट गैलरी देखी, जिसके अंदर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो अलाउड नहीं था, बट काफ़ी ब्यूटीफुल आर्ट है और बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट है ये। इनकी अलग तरीके से प्रिंट होती है पेंटिंग्स ग्लास एंड एल्यूमिनियम सरफेसेस के ऊपर, सो इट्स एन अमेजिंग आर्ट ओवरऑल। अब यार मैं तो पूरा दिन ये पेंटिंग्स घूम सकता हूँ, बट मेरे साथ में छोटी मेरी 9 साल की बच्ची है जिसको एंटरटेन करना मेरा फ़र्ज़ है, सो उससे मैं ले आया यहाँ के चिल्ड्रन सेक्शन में। और चिल्ड्रन सेक्शन अमेजिंग बिल्डिंग है, लाइक पूरा कॉम्प्लेक्स ही बच्चों की चीज़ों का बना हुआ है, एंड इट्स नॉट जस्ट दे आर ट्राइंग टू सेल यू थिंग्स, ओवरऑल बच्चों को एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दे रहे हैं वो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को है, बुक्स हैं पढ़ने के लिए, टॉयज़ हैं खेलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं करने की, सो आई लव्ड इट। और यहाँ देखिए एक छोटा सा किड्स एंट्रेंस है और बड़ों का एंट्रेंस अलग है, तो मेरी बच्ची इतनी कनेडियन हो गई है कि जैसे ही बाहर आई उसने दरवाज़ा होल्ड किया दूसरे बच्चों के अंदर आने के लिए। पहले वो बच्चे अंदर नहीं आए, पर मुझे लगा यार क्या तो मस्त कल्चर आ गया है बच्ची के अंदर। इट्स सो कूल, ये कैनेडियंस का फेवरेट है दूसरों के लिए दरवाज़ा रोक के रखना। This Granville Island kids section as shown on the map here, and statutory warning, do not bring your kids here, they'll go crazy. अब आप ये समझ लो कि कनाडा में ये एक चाइना बाज़ार बनाया हुआ है जिसके अंदर बच्चों के सारे वो चाइनीज़ टॉय अवेलेबल है जो आपके यहाँ पे आपके शहर में इंडिया में अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ पे देखने का मज़ा अलग है क्योंकि मैंने हैलिफैक्स में तो ऐसे ही पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं देखा, सो मज़ा काफ़ी आया। मेरी बच्ची बार बार बोल रही थी ये टॉय लूँ वो टॉय लूँ, मैंने कहा तेरी पॉकेट मनी से कटने वाला है, चाहिए तो ले ले। शी वुड से नो। ऑलराइट, हाउ ओल्ड आर यू? टेल मी हाउ ओल्ड आर यू? डू यू थिंक इट्स फॉर 9-year-old? नो। Warning, do not bring your kids here. पूरे कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप की थीम्स थी, कार्टून्स थे, ऐसे बबल्स उड़ रहे हैं, उन्होंने लाइटिंग शेयर के रखी है, सो पूरा एनवायरनमेंट उन्होंने इतना सुंदर बनाया है दैट योर किड्स वुड गो क्रेजी, उनको बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। सो चाइल्ड माइंडिंग सर्विसेज भी हैं, अगर आप चाहें तो बच्चों को यहाँ पे छोड़ सकते हैं और वो आपके बच्चे का ध्यान देंगे जब तक आप शॉपिंग कर लेते हो वहाँ पर बाहर जाके, जो कि गौरव करते हैं। हम देसी पेरेंट्स ऐसा कभी नहीं करेंगे, तो हम तो उसके साथ में हर चीज़ इंजॉय करते हैं। सो ये वर्चुअल रियलिटी उसको ट्राई करवाया, एक्सपीरियंस बहुत ही सही एक्सपीरियंस था बच्चों के हिसाब से। मेरे पास तो घर पे Oculus है, Oculus एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होता है जिसके थ्रू मैं ये सारी गेम्स खेलता ही हूँ VR गॉगल के अंदर, बट उसको इस वाले छोटे से टॉय पे बिठा के बड़ा मज़ा आया। इंडिया में तो सारे मॉल्स में ये होता ही है, सो बच्चों को तो हमेशा ही अच्छा लगता है, बच्चों खुश तो अपन खुश। मैंने बचपन में जैक एंड द बीनस्टॉक की कहानी सुनी थी, तो उसके ऊपर ये पूरा थीम पे बनाया गया था। अच्छा लगता है यार सब चीज़ें घूमकर। ग्रेनविल आइलैंड का ये चिल्ड्रन सेक्शन बहुत ही सही है। और ये यहाँ पर एक बबल टी शॉप थी, थोड़ा जैसे चाइनीज़ कल्चर होता ही है थोड़ा सा, तो बबल टी यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। $6 की बबल टी पिया, इट वाज वेरी एवरेज बट चलता है। और बाकी बच्चों के टिकट्स खरीदे, इतने सारे टोकन्स खरीदे, वो अलग। बस एक बार किड सेक्शन पूरा घुमा दो, बच्चे का पेट भरा दो, उसके बाद खाना खाने के लिए बाहर निकलो। अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने का टाइम आया। सो ग्रेनविल आइलैंड में अगर आप आ रहे हो तो ये ब्रेड अफेयर्स नाम का स्टोर आपको 100% चेकआउट करना पड़ेगा। बाहर लाइव म्यूज़िक चल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस है। So I got myself this pizza. You got a chocolate chip croissant with sugar on its top. Nice. And हंड्रेड्स में वेंडर्स यहाँ पर अपने स्टोर्स लगा के बैठे थे, अपनी चीज़ें फ्री में ट्राई भी करवा रहे थे और आप बाय भी कर सकते हो। सो इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस। बाहर का एरिया पूरा आपको डाउनटाउन का व्यू दिखाता है। एंड वहाँ पर ये पॉपिनो आइसक्रीम नाम की बहुत ही लोगों की फेवरेट जगह है, जो मैंने ब्लॉग्स में हर जगह पढ़ी, तो मुझे ट्राई तो करना ही था। That's a perfume I got, barista flavor. Let's try this out. Very messy ice cream eater. तो यार भले बच्चों के साथ में हो या सिंगल हो, अगर आप वैंकूवर में हैं तो आपको ग्रेनविल आइलैंड घूमने ज़रूर आना चाहिए। और अपने आप को कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम दीजिए, ताकि आप जितनी ज़्यादा स्टोर्स चेकआउट कर पाएँ उतना अच्छा एक्सपीरियंस अपने साथ में ले जाएंगे। ये इंडियन म्यूज़िक शॉप है, इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स की। एंड वो बंदे गोरे थे बट स्टिल उनका नॉलेज इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर इतना हाई है। सो इट्स ओवरऑल अ ब्यूटिफुल प्लेस। ग्रेनविल आइलैंड ज़रूर जाइए एंड ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो 4 घंटे में जितने स्टोर्स मैं देख पाया इस मैप पे उतने मैंने देखे, बट अब चांस है मेरा नेक्स्ट जगह पे जाने का, विच इज़ एट स्टैनली पार्क। और बाकी स्टैनली पार्क तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में घुमाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ वैंकूवर एक्वेरियम दिखाऊंगा। Stanley Park is one beautiful place. I'm coming from Halifax, Nova Scotia. We have seen a lot of greenery and nice parks over there, but the Stanley Park is something completely different. And now we are on the second stop, which is in Stanley Park, which is going to be aquarium. So Vancouver Aquarium is the second largest aquarium of North America. Let's check out how this looks. ना ये एक्वेरियम में यार एकदम टिपिकल टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं जो सारी बड़ी सिटीज़ में होते हैं। हमने लंदन में भी घूमा है, हमने टोरंटो में भी देखा है, सिंगापुर में है, दुबई में है, सब जगह पर है। पर हर एक्वेरियम का एक अपना कल्चर, अपना वाइब होता है। ये वैंकूवर एक्वेरियम का अलग कल्चर था। $35 एडल्ट की टिकट थी, पर मुझे स्टूडेंट डिस्काउंट के बाद 25 की पड़ी, बच्चे की टिकट और कम थी। एंड ओवरऑल यहाँ की फीलिंग रेन फॉरेस्ट जैसी है, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया में रेन फॉरेस्ट आता है। सो उन्होंने रेन फॉरेस्ट थीम पे पूरा बनाया। ये स्टेशन पे QR कोड स्कैन किया मेरी बेटी ने, और उसने एक ये ट्रेजर मैप ओपन किया। ये ट्रेजर मैप में कुछ 10-12 डिफरेंट जानवर हैं, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो एक एजुकेशनल ट्रिप बनाने के लिए, ताकि बच्चे कुछ सीखें, इस पूरी ट्रिप में से कोई कुछ नॉलेज साथ में लेके जाए, उन्होंने ये पूरा ट्रेजर हंट बनाया, जो मेरी डॉटर ने बहुत दिल से इन्जॉय किया एंड कंप्लीट भी किया। और ये है खूंखार पे राना। और जैसा कि मैंने बोला ये रेन फॉरेस्ट बेस्ड एक्वेरियम है, तो यहाँ पर उन्होंने बाहर एक आउटडोर सेक्शंस रखे थे पूरे रेन फॉरेस्ट थीम के बने हुए। और उसमें ये ब्यूटीफुल रेन फॉरेस्ट वाले बर्ड्स, एनिमल्स एंड जो भी मरीन लाइफ एज वेल एज फ्लोरा फौना यानी प्लांट्स भी उन्होंने सब दिखाए। ये 100 साल पुराना कछुआ बेचारा, बड़ा ही खुश था अपनी ज़िंदगी से। ओवरऑल इस एक्वेरियम में काफ़ी अच्छी फीलिंग थी, डिफरेंट फ्रॉम अदर सिटीज़। और हमने देखा सब लोग ऊपर पेड़ पे क्या देख रहे हैं, तो वहाँ पर एक स्लॉथ है। स्लॉथ एक सबसे स्लो, सबसे ढीला जानवर होता है पर बड़ा ही क्यूट होता है। एंड वो दिख रहा है सामने उसकी पूँछ और वो है स्लॉथ। Okay. I can't look. एंड जिसने भी ये डिज़ाइन किया है उसने इतना स्मार्टली डिज़ाइन किया है कि बच्ची को सारी चीज़ें याद होती जा रही थी, जो जो चीज़ें वो मार्क कर रही थी अपनी इस गेम के अंदर। सो इट्स अ वेरी गुड एजुकेशनल एक्सपीरियंस। अगर आप इस वैंकूवर एक्वेरियम में भी जा रहे तो इसके लिए भी 3 से 4 घंटे ज़रूर रखिए, बिकॉज़ बहुत कुछ देखने को मिलता है वहाँ पर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कांच के अंदर मछलियाँ देखी और आप निकल गए। अलग अलग टाइप के स्टेशंस और एग्जिबिट्स उन्होंने बना के रखे हैं। और जस्ट कीप अ गुड ओपन माइंड ताकि आप भी कुछ सीखें, कुछ समझ में आता है। बायोलॉजी एंड जूलॉजी एंड बॉटनी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर सीखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। सो अगर आपको घूमने के साथ कुछ नॉलेज मिल रहा है तो उसमें हर्ष क्या है। हाँ मैं तो डेंटिस्ट हूँ और मुझे जूलॉजी में काफ़ी ज़्यादा पता है, बट इस गेम की वजह से एंड ओवरऑल जो मेरा एक्साइटमेंट था उसको देखकर मेरी बच्ची का एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा था। और वो ये गेम भी इतना सीरियसली खेल रही थी, हर एक बोर्ड, हर एक साइन पढ़ रही थी, हर फिशेस एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में याद करके और फिर अपनी क्विजेस के आंसर दे रही थी। सो उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। सो अगर आप अपने बच्चे के साथ जाते हैं सो मेक श्योर आप ये वाली ऐप उनको खोल कर दें ताकि वो हर एक चीज़ को अप्रीशिएट करें और इस एग्जिबिट से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करें। और अगर आपने फाइंडिंग नीमो देखी है तो ये रहा नीमो का पूरा परिवार और डोरी और सी एनिमनी और उसके बाकी सारे कैरेक्टर्स। यहीं पे शूटिंग हुई होगी शायद। एक बार आप ये एक्वेरियम वाला पूरा एरिया कंप्लीट करते हो तो बाहर एक लॉबी में आते हैं जहाँ पर ऐसे जेलीफिशेस का पूरा एग्जिबिट बना हुआ है। आप छत पे भी देखोगे तो आपको ऐसे लाइट जलती हुई दिख रही हो, जेलीफिशेस का अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। और पास में यहाँ पे एक ओपन टैंक है जिसमें जेलीफिशेस और भी बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स हैं जो हम नीचे देख रहे थे, अब वो हम सारे यहाँ पे ओपन टैंक में देख पा रहे हैं। बट सबसे ब्यूटीफुल लगता है जेलीफिशेस वाला ये वाला एक्वेरियम। यहाँ पे सामने खड़े होकर हर उस जेलीफिश को अप्रिशिएट करना, इट्स सच अ ब्यूटीफुल क्रिएशन बाय नेचर। We don't have it here. Next is a 3D movie. Oh, sorry, 4D movie show right up here. You're gonna check out this 4D movie. If you wanna watch this movie, come right here. Again, typical tourist चीज़ है, अगर ये 4D मूवी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, सब सीखने को नहीं मिलेगा। So we love the 4D movie. What are the cutest sea creatures in the world? Otters. Otters, right here. Sea otters. So अगला पार्ट पूरा ही ओपन में है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे सी ऑटर्स, सील्स, सी लायंस और पेंगुइन्स और ऐसे ऐसे एनिमल्स जो आपने शायद कभी नहीं देखे होंगे, जो काफ़ी डिफरेंट लोकेशंस में पाए जाते हैं। वो यहाँ पर इस हैबिटेट में कंफर्टेबली रहते हैं। सो इट्स ब्यूटीफुल। This guy keeps coming back for me. See right here. Hi, buddy. So overall इस वैंकूवर एक्वेरियम में हमारे 3 से 4 घंटे बहुत ही आराम से पास हुए और हमारा क्लोज़ होने की वजह से जाना पड़ा, नहीं तो जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अगर आप वैंकूवर में आ रहे हैं तो वैंकूवर एक्वेरियम को आपकी लिस्ट पे ज़रूर होना चाहिए। एंड मेरी आइटनरी फॉलो कीजिए तो आपको और कन्वीनियंट रहेगा। मेरा फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस देखना भूलिएगा मत और नेक्स्ट वीडियो है पूरा स्टैनली पार्क के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस एंटायर प्लेलिस्ट एंड एन्जॉय द वैंकूवर फ्रॉम योर होम। बाय।